किसकी चिट्ठी है पिताजी? मालती की चिट्ठी है। क्या लिखा है? इतना मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा उसके ससुर ने उसके पति को मतलब कुंवर को घर से निकाल दिया। हाय ना। अभी दूसरे बंगले में रह रहे हैं। अरे ये भी लिखा है कि मेरा उल्लू का पट्टा साला गोवर्धन ये कह के क्या कि मैं गांव जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो पहुंचा क्यों नहीं? माँ मेरे लगता कुछ गड़बड़ है। बेटा तू बम्बई क्यों नहीं चला जाता? जाके देखना क्या मामला है। एक बात बोलूं, तूने जिंदगी पहली मरतो अकल की बात बोली है। जाता हूँ। राजू तेरी शादी तो हो गई यार। तेरी साली शाली से मेरी शादी करा देना प्लीज। अब मैं चमाट मारूंगा खींच के। अपनी औकात देख और उसकी औकात देख। वो करोड़पति की बेटी है और तू 2% का मामूली मैकेनिक है बे। अरे वाह, तुझसे तो अच्छा हूँ। मैं तो एक मैकेनिक हूँ, तू तो एक मामूली कुली है। बड़ा सॉरी यार, मैं भूल गया था। अच्छा ठीक है यार, ये करोड़पति का नाटक करते करते मुझे सचमुच ऐसा लगने लगा कि सिंगापुर में मेरे करोड़पति माँ बाप है। राजू दिन में ख्वाब देखना बंद कर, ये कोई सिंगापुर नहीं है, बस स्टैंड है। मालूम है, आज अपनी बीवी को बोलकर निकला कि अपने बाप को नोटिस भेजूंगा, मगर जब कोई बाप ही नहीं है तो नोटिस किसको भेजूं यार। शाम को घर भी जाना है, तब तक क्या करेगा? वही अपना पुराना धंधा, कोले नंबर 1। ये ले तेरी बस आ गई। बाजू 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 चलो साइड में चलो टिकट चल चले चले बाजू 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 हो समझ के इसको कुंवर समझ के उसको अपनी बेटी दिया, इसने मेरे को धोखा दिया। ये साला कुली निकला। ये ए, निकला क्या यार, मैं कुली हूँ यार। को चिल्ला रहे ए, मेरे जवाई राजा, ए, मेरे जवाई, तू ये नाटक काहे को कर रहा है? मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल मेरे पेट में आ गया, मेरा पेट मेरे पैर में चला गया, मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। मेरे जवाई, मेरे दामाद, मेरे जवाई, तू पागल हो गया क्या? तू पागल हो गया क्या? तेरे को आंखों से दिखाई नहीं देता तो चश्मा लगा, चश्मे से दिखाई नहीं देता तो दूरबीन लगा। क्या दमाद विमाद लगा के रखा है पागल? ये बुड्ढा है कौन वैसे? लगता है किसी पागल कुत्ते को काट के आया। अच्छा। या तो इसका दमाद इसकी बेटी को छोड़कर चले गया है, या तो कहीं जाके वो मर गया है, इसलिए ये बेचारा पागल हो गया। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा दामाद है। तुम्हारा दामाद क्या इलाहाबाद के तालाब में? तालाब में मैं मुद्दत से जानता हूँ, ये हमारा राजू है। अरे तुम क्या मुँह पे दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे यार? ये तुम क्या मुँह पे मूछ रख के झूठ बोल रहे? ये हमारा बुजुर्ग है, ऐसा बात नहीं करने का। नहीं तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? ऐसा टक्कर मारेगा कि तुम्हारा नागपाड़ा में से गंगा जमुना बहने लगेगा। मालूम है मारेगा मेरे को? प्यार करने वाला तेरा हरकत नहीं है। हाँ? अरे चलो अपने अपने धंधे पे चलो, किस पागल के मुंह लग रहे हो? संभाल लो भाई, संभाल लो। अरे कोई तो मेरी बात सुनो, कोई तो मेरा विश्वास करो। ये धोखा खाए हुए ससुर और उसके 400 भी दामाद की कहानी सुनते जा भाई। ओ साहब आपका सामान उठाना है क्या? 3 कुली और लेकर मेरी आरती उठाने का जा रहे मालती मालतू मालतू अच्छा मैं देर से आया, तुम मुझसे नाराज हो रही है? हा? देख मैं तेरे लिए गजरा लाया हूँ। ला वो गजरा मुझे दो, मैं अपने बालों में लगा लेता हूँ। अरे आवाज तो पिताजी की लगती है। पिताजी माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने तुम्हें देख लिया था बस स्टैंड पर। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? और मालती तू क्यों रो रही है? रोएगी नहीं तो क्या उछल उछल के हंसेगी? एक पत्नी का पति अगर कुली हो तो क्या डांस करेगी? कुली? कौन कुली? आप। पिताजी ने खुद अपनी आंखों से देखा तुम्हें बस स्टैंड पे कुली का काम करते हुए। मैं कुली का काम करूंगा? कुंवर महेंद्र प्रताप? ये तू नाम नहीं लेना कुंवर महेंद्र प्रताप का। कुंवर गया कुएं में, साला झूठ बोलता है। तू कुली है, कुली है, कुली है, कुली है। अरे क्या ससुर जी, किसका गुस्सा किस पर उतार रहे हो? आप इतने होशियार होकर कैसे फंस गए? जिसको आपने देखा मेरा जुड़वा भाई है राजू। ये नवा नाटक है, फंसना नहीं इसमें झूठा साला। अच्छा ठीक है, ये नाटक है ना, अभी दिखा दो। एक मिनट आओ, अपनी आंखों से देख लो सब लोग। आओ देख लो, यही था ना वो गुली? अरे यही था क्या मतलब? यही है, तू है। अरे मेरे बाप, ये मेरा जुड़वा भाई है। ये कल तक तो नहीं था, आज कहां से पैदा हो गया? और पैदा हुआ तो इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? ये एक दुख भरी दास्तान है। मेरे छोटे भाई को कुछ गंदी आदतें पड़ गई थी, शराब पीना, कोठे पे जाना, अय्याशियां करना। उसकी इन गंदगियों से परेशान होकर मेरे पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया
और पिताजी की बेइज्जती करने के लिए उसने कुली का काम करना शुरू कर दिया। आज गलती उसने की और हरजाना मुझे भुगतना पड़ा। जिस इज्जत के लिए मैंने अपने बाप का घर छोड़ दिया, आज उसी इज्जत को मेरी पत्नी और मेरे ससुर ने लूट लिया। लानत है, लानत है, लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। अरे ये क्या कर रहे आप? हम समझ गए कि हमने आपको गलत समझा, अब हमें विश्वास आ गया है। बोलिए ना पिताजी। मुझे भी थोड़ा थोड़ा आ गया है, खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए आइए आइए, चलिए ना। जमाई राजा, ए जमाई राजा, वो तो सुबह वकील के यहाँ चले गए। वकील के? तो बेटी मैं भी आज गांव वापस जा रहा हूँ। वापस गांव? मगर कल ही तो आए थे। तो क्या हुआ, कल आया था, आज जा रहा हूँ, कल फिर वापस आ जाऊंगा। ये क्या पहेलियाँ बुझा रहे आप? अरे बेटी, तेरे को देखना था देख लिया, दामाद से मिलना था मिल लिया, इत्तेफाक से छोटा दामाद मिल गया उसको भी देख लिया, अब जा रहा हूँ। छोटा दामाद? बेटी मैं ये सोचता हूँ, अगर तेरी छोटी बहन का ब्याह कुंवर के छोटे भाई कुली के साथ कर दिया जाए तो? ये क्या कह रहे आप पिताजी, आप अपनी बेटी की शादी एक कुली के साथ करेंगे? अरे वो कोई पैदाइशी कुली थोड़ी है यार, वो भी रजवाड़े खानदान का चश्मो चिराग है, फिर उनका बुड्ढा बाप कितना दिन जिंदा रहेगा, एक दिन तो बुड्ढा ढस लेगा, और जिसे ढसला तो करोड़ों की जायदाद दोनों भाइयों के हाथ में होगी। फिर बंगले में रहेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, नोटों पे सोएंगे, तेरे साथ तेरी छोटी बहन की भी जिंदगी बन जाएगी। ये है होशियार जन की होशियारी, मेरे जैसा होशियार आदमी तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है कि नहीं? जैसा आप कहें। सरदार, अब मैं आपको एक जादू दिखाएगा जो आज तक आपने देखा नहीं होगा। मैं एक आदमी का सर उसके घर से अलग कर देगा और वापस उसके सर को जोड़ देगा। बच्चा लोग ताली बजाओ। हाय, कोई मर्द का बच्चा जो सामने आवे और अपना सर कटावे। मामा जी, काहे पे मरी है? आ गया रे।